Hello everyone, how are you all? And I welcome you back on another video on Finance Buddies. So yes guys, आज का ये जो वीडियो होने वाला है, this is going to be an eye opening. कुछ facts and figures को देखकर सच में मुझे ऐसे लग रहा था कि यार idea Vodafone का क्या होगा, right? ये question mark मेरे सामने जरूर आया था, लेकिन जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं आज Airtel की और Jio की. That is Bharti Airtel and Jio के अगर मैं subscriber base देखूं तो yes definitely guys, Bharti Airtel is now highest number of active subscribers in Indian telecom industry, beating Mukesh Ambani's Reliance Jio. अगर हम लोग Bharti Airtel का कुछ chart देखेंगे, कुछ मेरे पास data है, कुछ मेरे पास statistics है, जो मैं तुम्हें आज बताऊंगा, हम लोग detail analysis करेंगे और जहां पर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, right? And so we will see that chart, we will see that figures and then we will talk on it, right? तो तब तक के लिए देखते हैं कुछ और भी दूसरे facts. Airtel's net subscribers addition growth was double of Jio's in second half of the calendar 2020. So Airtel के net subscriber addition was definitely there was more growth since September 2020. Airtel shares have spiked by over 40% on back of the strong growth in new subscriber addition. But I would say that ये जो एयरटेल का जो चार्ट रहा है, स्टॉक चार्ट, इट वॉज गुड. अक्टूबर में वो बहुत नीचे आ गया था, फिर से अगर हम लोग देखते हैं द ग्रोथ ऑफ द एयरटेल स्टॉक प्राइसेस, इट वॉज ट्रेमेंडस. एंड आफ्टर दिवाली जो सर्च देखने मिला है एयरटेल में, यस, ये बहुत ही जबरदस्त था. तो चलिए फटाफट से देखते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर, लेकिन उससे पहले मैं आपका चाहूंगा बस एक मिनट, और आपसे एक ही गुजारिश है कि अभी तक अगर किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है इस फाइनेंस बड़ी को, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना. देखना यहाँ पर जरूर सब्सक्राइब कर देना. एंड गाइस, यू कैन आल्सो सी दैट कि आज हमारे कुछ दो तीन वीडियोस आने वाले हैं. एक ऑलरेडी प्रीमियर हो चुका है, जो कि होगा रेलटेल आईपीओ का 7 बजे की. रेलटेल आईपीओ का जीएमपी तो बहुत ही तेजी से नीचे नीचे जा रहा है, और एक नया आईपीओ जो खुलने वाला है 23rd of February, मतलब कल, तो ये भी जरूर 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 देखना, ठीक है. सो शायद इसमें प्रीमियम अच्छा बन रहा है, तो वो जरूर देखिएगा. एंड तुम और भी वीडियोस देख सकते हो यहाँ पर. सो जल्दी से फटाफट से जाकर सब्सक्राइब जरूर करना. और यहाँ पर और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन अगर किसी को भी लेना है, या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे लेना है, सो यू कैन यूज द कोड, दैट इज DAGA10 is the code, and you will get some maximum discount whichever is possible at that point of time, kyunki foundation ka aur intermediate ka subscription to ho raha hai reduce, jo ki hone wala hai 5% very very soon. Aur agar kisi ko bhi ye subscription lena hai to 12 months ka subscription 15,750 aur 24 months ka subscription 18,900 only. जिसका लाखों में प्राइसेस जाता है क्लासेस करने के लिए, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 18,900 में हो रहा है. सो यस, अभी हम लोग पढ़ते फटाफट से अगेन हमारे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ और हमारे इस वीडियो के पास. सो यहाँ पर ये वाला, इसके आगे जो चार्ट है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. और यहाँ पर देखना तुम लोग, भारती एयरटेल कंटिन्यू टू डिलीवर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द न्यू सब्सक्राइबर एक्विजिशन, एडिंग 5.5 मिलियन न्यू सब्सक्राइबर्स इन December 20 as compared to only 3.2 million subscribers by Reliance Jio. This is the highest number in the last 14 months, and with this it has become the top telco by market share in terms of active subscribers. ठीक है, so यहां पर देखो कि अगर तुम लोग ये Bharti Airtel's add most active users. Now this is something really interesting. Bharti Airtel is on my top left. यहाँ पर है मिडल में आइडिया वोडाफोन, एंड देन वी हैव इन द राइट जियो लिमिटेड. सो अगर मैं देखता हूँ फेब्रुवरी से लेकर दिसंबर तक मेरे पास ये पूरा की पूरा डेटा है. सो फेब्रुवरी में एडिशन है, यहाँ पर नेगेटिव है. नाउ यू सी द मिडल रो ऑफ आइडिया वोडाफोन. मैं क्या कह रहा था, मैं ये चार्ट देखकर थोड़ा चिंतित हो गया था. किसके लिए? आइडिया वोडाफोन के लिए. देखना, -2.8, -0.8, -14.1, -2.8, -3.7, -3.8, -4.5, -3.5, -1.2, -1.9, and -1.5, continuously in the row
यहां पर इनके सब्सक्राइबर्स रिड्यूस ही होते गए हैं आइडिया वोडाफोन के. द डेट इज ऑलरेडी वेरी ह्यूज, यू नो दैट राइट. जियो के अगर मैं देखूंगा तो जियो का भी बहुत ही अच्छा रहा है सब्सक्रिप्शन. एक्टिव यूजर्स बहुत ही जबरदस्त रहे कुछ मंथ्स में. एज यू कैन सी इन मई में तो 6.2 का एडिशन था, अगेन इन अगस्त 4.6 का एडिशन था, अगेन इन नवंबर 5.4 का एडिशन था. सो जियो के लिए भी बहुत अच्छा रहा है. जस्ट इन टू केसेस, इन द मंथ ऑफ अप्रैल इट वॉज -7.2 एंड इन द मंथ ऑफ जून इट वॉज -2.1. बट अगेन इफ यू सी अगस्त से लेकर दिसंबर तक एयरटेल के कंटिन्यूसली एडिशन होते रहे हैं एंड एक्टिव यूजर्स बहुत ज्यादा एयरटेल के दिख रहे हैं यहाँ पर. और दिसंबर 20 का अगर तुम देखोगे तो 5.5 इज द एडिशन एज कंपेयर टू 3.2 ऑफ द जियो लिमिटेड. और ये 5.5 इज द वेरी गुड एडिशन बाय द एयरटेल. एंड यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट ओवर हियर, ये एयरटेल का स्टॉक प्राइसेस का चार्ट. तो अगर ये सबसे नीचे जब गया है वो गया था अक्टूबर में, मतलब ये जो था ये कंटिन्यूअसली नीचे नीचे जा रहा था इसका स्टॉक. फ्रॉम अराउंड जुलाई इट वॉज कंटिन्यूअसली फॉलिंग और अक्टूबर में बहुत ही नीचे चले गया था 400 के आसपास, 380-400 के आसपास. एंड नाउ यू सी अगर किसी ने 400 के आसपास इसको पकड़ा है स्टॉक को, तो अभी ये 600 के आसपास फिर से आ गया है. 580 का तो ऑलरेडी रेट चल रहा है, 580 के अराउंड 600 के रेट पे फिर से ही हो गया है. एंड एज यू कैन सी दैट इट हैज गिवन द स्पाइक ऑफ कितना 40% ऑलरेडी ऊपर चली गया है ये, ठीक है. सो आई वुड से दैट कि स्टिल नाउ मेनी ऑफ देम आर थिंकिंग दैट कि यही से भी अगर इसको ऐड करते हैं हम लोग पोर्टफोलियो में तो यहां से भी 20% राइज हो सकता है. ऐसे मैंने कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स में देखा है. एंड अगेन इफ आई सी द चार्ट ओवर हियर ऑफ एयरटेल एंड जियो, इट हैज बीन इन नेक टू नेक रेस हो रही थी थ्रू आउट द 2020, किसकी, एयरटेल और जियो की. बट अगर तुम वोडाफोन का देखोगे, आइडिया वोडाफोन का कंटिन्यूअसली इट इज गोइंग डाउन 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 एंड डाउन कंटिन्यूअसली. Now this is something which is concerning for this idea Vodafone. तो यार ये देखकर मुझे तो बहुत ही अजीब लग रहा था कि what is going to happen with this company. This is such a big company, idea and Vodafone, but still now this is something really concerning. And talking about the Airtel, definitely it's doing a great thing. Active users बहुत ज़्यादा है. And yes, the network seems to be good. And now this is giving the tough competition to Jio. And ये बिल्कुल तैयार है. यहाँ पर तुम देख सकते हो ये चार्ट से ही. And this is the thing that I wanted to tell you guys, that Bharti Airtel has now highest number of active subscribers in Indian telecom industry. And now you can again look at the stock prices. And again for long term, you can buy it. But again, this is just an informational video. This is not my recommendations. क्योंकि मैंने दिवाली पर ये स्टॉक देखा था. And दिवाली पर करीबन तब ये 450 के आसपास था. And 450 के आसपास होने के बावजूद भी मैंने बहुत सारे रिसर्च रिपोर्ट्स देखे थे. Everyone has given the top pick for Bharti Airtel. और टारगेट्स इसके 700, 650, 720 बताए थे. And देखना ये जो रिसर्च लोग वाले थे, रिसर्च जिन्होंने किया था रिसर्च रिपोर्ट्स में, दे अप्रोक्सीमेटली उन्होंने ये सारी चीजें देखी होगी, ये सारे चार्ट्स उनके सामने थे. एंड अकॉर्डिंगली दे हैव कम अप विद दैट. एंड यस, ये 450 से 400 से ये 600 तक भी गया है. सो डेफिनेटली गाइस, दिस इज अ वेरी गुड स्टॉक टू सी. कोई भी मार्केट डिप में हम लोग एक अच्छे स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं. सो दिस कैन बी वन ऑफ द that good stock which you can accumulate in your portfolio. I'm not recommending at current price, I'm not recommending any of the things, I'm just putting forward in front of you some very good data and you can take your decisions accordingly. So thank you so much guys, I hope that you really like this video. I have tried to keep it very very short, jahan par main tumhe ek statistics dikhana chahta tha. And yes guys, I hope that you have something back to take home today. Thank you so much. Tata, bye bye, take care. Keep sharing the video if you like the information. Please comment down in the section.
कमेंट सेक्शन और मुझे बताइएगा कि तुम लोग कौन से और वीडियोस देखना पसंद करोगे. आई विल ट्राई टू कम अप विद दैट शॉर्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस फॉर यू गाइस. एंड यस गाइस, वी आर ऑन द मिशन ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी. सो डेफिनेटली, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, एंड सो कीप स्प्रेडिंग लव, कीप शेयरिंग द गुड इंफॉर्मेशन. थैंक यू सो मच. हैप्पी इन्वेस्टिंग.